है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने परशुराम पार्क में गरीबों को राशन सामग्री वितरित की और बताया कि निरंतर 250 से 300 लोगों को करा रहे हैं मुहैया। अमित गुप्ता ने सभी वॉलंटियर्स का किया आभार व्यक्त। जी हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा फिरोजाबाद के सुहाग नगर स्थित परशुराम पार्क में गरीब असहाय लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया गया और इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड संयोजक अमित गुप्ता ने बताया कि निरंतर रेड क्रॉस सोसाइटी जनसेवा कार्य कर रही है। 250 से 300 लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और उन्होंने साथ ही कहा कि वे सभी वॉलंटियर्स का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि ऐसे कठिन समय में वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा देश में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से निरंतर असहाय निराश्रित लोग हैं और प्रवासी मजदूर, उनकी निरंतर भोजन वगैरह की सेवा और उनको खाद्य सामग्री वगैरह निरंतर उनको आपूर्ति की जा रही है। लगभग 250 से 300 लोगों को हम प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराते हैं और उनके स्थान पर जाकर और प्रतिदिन जो असहाय परिवार हैं उनको चिन्हित करके उनके घर पर खुद राशन सामग्री पहुंचाते हैं। आज हमारा 51वां दिन था तो आज हमने 51 लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को आज पूरी खाद्य सामग्री 15 दिन की उनको मुहैया करा रहे हैं। इसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और ऐसे क्लब को मैं सभी वॉलंटियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कठिन समय में हम सभी लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।